हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में मोदी केयर वेल ब्रेन एक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज आप लोग को अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ब्रेन एक्टिव है हमारे लिए कितना लाभकारी है हमारे ब्रेन के लिए। दोस्तों, इसका नाम ही है ब्रेन एक्टिव। इससे समझ में आ जाता है कि इसे किस लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। मोदी केयर ने जो प्रोडक्ट बनाया है किस बेस पे तैयार किया है। तो चलिए मैं आप लोग को ब्रेन एक्टिव के बारे में अपने इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि जो मनुष्यों का ब्रेन होता है एक साल से लेकर के 5 साल तक 95% जो है ग्रोथ कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। जो 5% बचता है उसको बढ़ने में 18 साल तक लग जाता है, 18 से 20 साल तक लग जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो 5% जो बाद के 5 साल के बाद के जो बढ़ते हैं वही हमारे लिए जो मुख्य होते हैं, वही हमारे लिए जो मायने रखते हैं। तो उसी के बारे में आज बताऊंगा कि किसका ब्रेन कैसा है, किसका ब्रेन कैसा होना चाहिए, ब्रेन मेमोरी कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। आज इसको डिटेल में जाने हमारे इस वीडियो में। इसको जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी इस प्रकार का वीडियो बनता है तो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं ब्रेन एक्टिव के बारे में। जैसा कि मैंने बता दिया कि 5 साल तक जो है 95% जो है ब्रेन का विकास हो जाता है, यानी ग्रोथ कर जाता है ब्रेन, और 5% को बढ़ने में 18 से 20 साल तक लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि सबसे ज़्यादा ब्रेन एनर्जी घटने का कारण क्या होता है या किस कारण से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जो ब्रेन पावर होता है, कुछ लोग का तो पहले से ही कम होता है या तो कुछ लोग का जेनेटिक कम होता है या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गलत संगति में पढ़ करके पढ़ाई लिखाई में ना दिमाग लगा के अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा देते हैं, या जो किशोरावस्था होती है लड़के या लड़कियों का, उस अवस्था में गलत संगति में पढ़ करके जो है गलत काम करने लगते हैं, या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खान पान जो है सही नहीं मिल पाता है, पढ़ने के चक्कर में सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, टाइम से भोजन नहीं ले पाते हैं, तो उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी होने लगती है, तो इसके कारण भी उनको प्रॉब्लम आने लगती है। और सबसे मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज़ होती है खान पान में सही सप्लीमेंट सही न्यूट्रिशन हमें लेना ज़रूरी होता है, समय समय पर भोजन, उसमें जो है ड्राई फ्रूट हुआ, मौसमी फल हुआ, दूध हुआ, अंडा हुआ, हरी साग सब्जी, ये सब बहुत मायने रखता है हमारे ब्रेन के एक्टिविटी के लिए। अगर ये हमें टाइम से नहीं मिल रहा है तो हमारा ब्रेन जाहिर सी बात है कि वो कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, भूलने की बीमारी होने लगती है। तो दोस्तों, ये सब गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हैं, उनका दिमाग कैसा है, याददाश्त कैसा है, उनके ब्रेन की एक्टिविटी कैसी है, पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं, तो हमेशा उनको जो है ध्यान देते रहना चाहिए। और चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ब्रेन की क्वालिटी क्या होती है। जैसे कि मान के चलिए कि ब्रेन हमारा अनलिमिटेड होता है, इसमें कितना भी भरते जाइए फुल कभी नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए अगर हम कोई लैपटॉप ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, तो उसका हार्ड डिस्क होता है, लिमिट होता है 500, 1 GB, 2 GB, जैसा भी होता है, तो हार्ड डिस्क उसके अनुसार बनता है, तो उसके अनुसार वो मेमोरी अगर फुल हो जाती है तो काम करना बंद कर देता है या तो हैंग करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो कृत्रिम ये हार्ड डिस्क भगवान ने दिया है, जो मेमोरी दिया है, ये कभी फुल नहीं होता है। इसमें बस इतना होता है कि जो चीज़ें काम की नहीं होती है उसको ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन जो है डिलीट मारते रहता है, और बाकी जो है कभी फुल नहीं होता है, ना ही हैंग करता है। हैंग तभी करता है या कमज़ोर तभी होता है तब जब इसका ध्यान न दिया जाए, खान पान सही से न लिया जाए, फूड सप्लीमेंट सही न लिया जाए, तभी जो है याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। कुछ याद करने पर याद नहीं होता है, कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती है, भूल जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, ये ब्रेन जो है बहुत ही पावरफुल होता है, इसमें जितना भी स्टोरेज करते जाइए कभी जो है फुल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ। और ब्रेन एक्टिव का आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेन एक्टिव हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों अपने खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि दोस्तों, आजकल की जो जनरेशन है और आजकल का जो खान पान है, आजकल की जनरेशन हमेशा जो चटक मटक खाती है, फास्ट फूड खाती है, जो चीज़ पौष्टिक चीज़ है उसको खाएगी नहीं, और जो फास्ट फूड है या तो स्पाइसी चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, वो हमारे लीवर के लिए नुकसानदेह होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, हमारे ब्रेन को जो पोषक तत्व तो मिलना चाहिए मिल नहीं पाता, इसलिए ब्रेन जो है कमज़ोर होने लगता है और दिमाग जो है बहकने लगता है। इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिए, क्या खाना चाहिए, पौष्टिक चीज़ लीजिए और
जो है सलाद लीजिए, हरी साग सब्जी, दूध दही अंडे, मौसमी फल का प्रयोग करिए, और साथ में अगर कोई सप्लीमेंट मिल रहा है तो उसका प्रयोग करिए, जिससे कि बच्चों का भी ब्रेन जो है सही रहे, एक्टिविटी उसकी सही रहे, और जो है दिमाग सही रहे, और जो आप हैं, आप गार्जियन हैं, तो आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि एक एज के बाद जो है ऑटोमेटिक जो ब्रेन कमज़ोर होने लगता है। तो अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं या अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई खान पान सही है, तो आपका दिमाग जो है सही रहेगा, कमज़ोर नहीं होगा। तो आप अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ अपने इस वीडियो में ब्रेन एक्टिव के बारे में, इसको पूरा देखिएगा, ब्रेन एक्टिव हमारे लिए कितना लाभकारी है। और सबसे पहले चीज़ बता दूँ कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो दोस्तों इसमें चार प्रोडक्ट मिला हुआ है, चार हर्ब मिला हुआ है, जो कि नेचुरल है, ये नहीं कि मतलब केमिकल का चीज़ मिलाया हुआ है। इसमें चार नेचुरल चीज़ें मिलाया हुआ है, पहला है ब्राह्मी, दूसरा है जिंकोबा बिलोबा जो कि बहुत ही ब्रेन के लिए ताकतवर चीज़ होता है, और तीसरा है रोजमेरी, ये भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और चौथा है दोस्तों सोया लेसिथिन, ये भी हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। चलिए मैं आप लोग को डिटेल में बता दूं कि कौन कौन सा इसमें जो पदार्थ मिलाया हुआ है, हर्ब मिलाया हुआ है, हमारे लिए कितना कीमती है। तो चलिए सबसे पहला इसमें जो हर्ब मिला हुआ है वह है ब्राह्मी। तो दोस्तों ब्राह्मी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, यह ब्रेन बूस्टर माना जाता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है, जो कार्य क्षमता होती है उसको हमेशा बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, जो भूलने की बीमारी होती है उसको कम करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, जो भूलने की बीमारी होती है उसको ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि दोस्तों ये मूड फ्रेशनर भी है, और जो है क्लियरेंस यानी कि मूड को क्लियर रखता है, एकदम साफ सुथरा रखता है, ये न कि उसमें जो है उल्टा सीधा बातें रखता है। और दोस्तों ब्राह्मी जो होता है हमारे मेंटल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, यह टॉनिक का काम करता है, यह थिंकिंग पावर बढ़ाता है, लर्निंग पावर बढ़ाता है, और दिमाग को एकाग्र करता है, दिमाग को हमेशा एकाग्रचित रखता है, कोई भी मतलब चीज़ें इधर से उधर नहीं होने देता, ना ही फालतू दिमाग में कोई बात आने देता है। और सबसे अच्छी बात है कि तंत्रिका तंत्र पे भी काम करता है, हमारे जो है नसों पे को भी सही रखता है, या जो तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इसमें हर्ब मिलाया गया है जिंकोबा बिलोबा। जिंकोबा बिलोबा जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक प्रकार का हर्ब होता है, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक सेरेब्रल होता है, एक सेरेब्रम होता है। दोस्तों इसमें ब्लड सर्कुलेशन को हमेशा बढ़ाता है, जिससे कि हमारा दिमाग सही रहता है, और न किसी प्रकार का कोई दिमाग संबंधी रोग होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि का दिमाग काम नहीं करता है, या जैसे लगता है कि भूल गए हैं, कोई चीज़ खाया है कि नहीं, पिया कि नहीं, कोई काम किया कि नहीं, याद नहीं रहता है, इतना कमज़ोर हो जाता है दिमाग कि वो उनको कुछ नहीं पता चलता है। तो ऐसे में जिंकोबा बिलोबा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो है ब्रेन में यह ब्लड संचार को बढ़ाता है और ब्रेन को एक्टिव रखता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिनका दिमाग संतुलन नहीं रहता है उसके दिमाग को भी संतुलन रखता है। जो लोग जो पैरालाइज्ड हैं, लकवा के शिकार हुए हैं, दिमाग में जो ब्रेन हैमरेज हुआ है, ऐसे लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करेगा ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव जो हमारे ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है उसमें ब्लड संचार को बढ़ाता है, तो इसलिए जो है अगर ब्रेन हैमरेज हुआ है कभी, या तो लकवा का पेशेंट हैं आप, उसमें दोनों में बहुत ही अच्छा काम करता है, और दिमाग को थकने नहीं देता है, टेंशन फ्री रखता है, हमेशा किसी प्रकार का दिमाग में टेंशन नहीं बनने देता है जिंकोबा बिलोबा। इसमें दूसरा प्रोडक्ट मिलाया हुआ दोस्तों, और तीसरा प्रोडक्ट मिलाया हुआ है इसमें रोजमेरी। रोजमेरी जैसा कि आप जानते हैं एक प्रकार का फूल होता है, गुल मेहंदी का फूल इसको कहते हैं, ये हमारे दिमाग को तो सही रखता है दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रांग रखता है, जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। यह भी हमारे तंत्रिका तंत्र पे बहुत अच्छा काम करता है, एकाग्रता बनाता है हमारे दिमाग का, और जो है मूड को जो है फ्रेश रखता है बिल्कुल, यह मूड फ्रेशनर भी कहा जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। रोजमेरी का इसमें एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। चौथा इसमें जो प्रोडक्ट मिला हुआ है दोस्तों, आपको सोया लेसिथिन मिला हुआ है।
सोयाबीन का जो है इसमें एक्सट्रैक्ट मिलाया जाता है, एक पदार्थ होता है उसमें से निकाल करके लेसिथिन जिसका नाम है मिला करके, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेसिथिन जो लेसिथिन होता है नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, मेमोरी के स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें से कोई भी चीज़ जो है डिलीट नहीं होने देता है, जो याद कर लिए तो वो भूलने नहीं देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर जो हमारे दिमाग की जो सेल होती है जो काम नहीं करती है, जो स्लगिश होती हैं, उनको फिर से रीजनरेट करता है, फिर से एक्टिव करता है और हमारे शरीर के एक्टिविटी को बढ़ाता है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो चाहे आँख हो, उसके इंडिकेशन को बढ़ाता है। जो फास्ट काम करते हैं बहुत तेज काम करते हैं, इसका लेसिथिन का यही काम होता है दोस्तों। ये भी हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये चार प्रोडक्ट इसमें मिलाया हुआ है जो कि हमने आपको बता दिया, ब्राह्मी मिला हुआ है, रोजमेरी मिला हुआ है, जिंकोबा बिलोबा और सोया लेसिथिन मिला हुआ है। चार प्रोडक्ट मिला करके यह ब्रेन एक्टिव का जो प्रोडक्ट है तैयार किया गया है। चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि यह कितने का पड़ता है और इसकी प्राइस क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मोदी केयर का प्रोडक्ट दोस्तों इसकी MRP है 1199 रुपया और DP प्राइस है 999 रुपया। याद रख लीजिए दोस्तों, 1199 रुपया इसकी MRP है और DP प्राइस है 999 रुपया। यह 30 कैप्सूल इसमें पाया जाता है और इसका बिजनेस वैल्यू बनता है 599 और जो पॉइंट वैल्यू बनता है दोस्तों 22.2 इसका पॉइंट वैल्यू बनता है। और मैं आपको बता दूं खाने का तरीका, इसको भोजन करने के बाद सुबह शाम एक एक गोली आप इसको ले सकते हैं। किसी को भी अगर ब्रेन संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इसको सुबह शाम दे सकते हैं, नहीं भी है तब भी आप इसको ले सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको एक टाइम दीजिए, अगर आप बड़े हैं, अगर एडल्ट हैं या तो 50 से ऊपर है तब भी आप ले सकते हैं, उससे कम की उम्र है तब भी आप ले सकते हैं। ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं कहीं, या दिन भर फील्ड वर्क करते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट है ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मेंटली थकान नहीं होने देगा और शारीरिक थकान भी नहीं होने देता है। तो दोस्तों अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ये मोदी केयर का प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।